आमतौर पर बाजार में कई किस्म के केले मिलते हैं और आपने ज्यादातर मीठा केला यानी फ्रूट के रूप में केले का उपयोग किया होगा, लेकिन कभी आपने केले की सब्जी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको केले की सब्जी के बारे में बताते हैं। इन दिनों बीकानेर की सब्जी मंडी में कच्चे केले आए हुए हैं जिनकी काफी डिमांड है। यह कच्चा केला फ्रूट में नहीं बल्कि सब्जी बनाने में उपयोग में होता है। इसकी सब्जी काफी स्वादिष्ट बनती है। हालांकि इस सब्जी को पहले तो कुछ समाज के लोग पसंद करते थे, लेकिन अब सभी लोग इस सब्जी का सेवन करने लगे हैं। दुकानदार सतीश कुमार ने बताया कि यह कच्चा केला सिंगापुरी केले से अलग है। यह खाने में नमकीन होता है। इसकी सब्जी काफी स्वादिष्ट होती है। इसका सीजन दीपावली से लेकर होली तक रहता है। यह बाजार में 50 रुपए किलो मिलता है। आमतौर पर मीठा केला 30 से 40 रुपए किलो मिलता है, उससे यह थोड़ा महंगा है। यह कच्चा केला कलकत्ता और अहमदाबाद से आता है। इस केले की सब्जी को ज्यादातर लोग बंगाली समाज के लोग ही पसंद करते हैं और अब कुछ लोग भी इसका सेवन करने लगे हैं। वे बताते हैं कि बाजार में नई सब्जी आने से लोग इसकी काफी डिमांड कर रहे हैं। कच्चे केले खाने के कई तरह के फायदे होते हैं। यह पाचन शक्ति को अच्छा रखता है और इसमें फाइबर की काफी अच्छी मात्रा होने के कारण यह कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। यह हार्ट और त्वचा को भी ठीक रखता है। इसके अलावा यह पेट से संबंधित कब्ज, बवासीर सहित पेट के कैंसर को कम करने और उनसे लड़ने में भी काफी सहायता करता है और यह पाचन तंत्र मजबूत रखता है। ये कांच केला है, सिंगापुरी केले से अलग होता है। ये खाने में नमकीन होता है जबकि सिंगापुरी मीठा होता है। इसकी सब्जी टेस्टी बनती है और ये इसका सीजन होली तक आता है। अच्छा, और ये क्या भाव बेचते हैं? टेस्टी बनती है। क्या भाव बेचते हैं आप? ये 50 रुपए किलो बिकता है। ये कलकत्ते साइड का है। अच्छा, अहमदाबाद से आ रहा है। सारे बंगाली यही केला पसंद करते हैं।